रही है भागलपुर में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री का बड़ा दावा। बड़ी खबर, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बड़ा दावा किया है भागलपुर में। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार में युवाओं को रोजगार मिल रहा है, मंत्री शाहनवाज हुसैन का बयान, उनका ये दावा। विपक्ष के नौकरी नहीं देने वाले आरोप को उद्योग मंत्री ने सिरे से खारिज कर दिया है। बड़ी खबर, कांग्रेस पर भी शाहनवाज हुसैन ने इशारों में निशाना साधा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भागलपुर में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री का बड़ा दावा, शाहनवाज हुसैन ने इशारों में कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार के युवाओं को रोजगार सरकार दे रही है, वहीं उन्होंने विपक्ष के सरकार नहीं देने के भी दावों को खारिज कर दिया है। मक्का डालेंगे उधर से, इनको डॉलर और रुपया जैसा पैसा निकलेगा, ये राहुल गांधी वाला नहीं है, इधर से आलू डालिए और उधर से सोना निकलेगा। मैं पेट्रोल डॉलर क्यों बोलता हूँ, क्योंकि पेट्रोल डॉलर बचता है। अगर आप पेट्रोल खरीदते हैं अरब कंट्री से तो आपको डॉलर में खरीदना पड़ता है। अब डॉलर बचाने के लिए ये साहू प्रवक्ता उसमें रोल अदा करेगा। मैं साहू एग्रो के जो डायरेक्टर हैं प्रीतम साहू जी को, वो बराबर मेरे संपर्क में रहते हैं और आप जानते हैं कि यहाँ पर मेरा विचार है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले हमारे बिहार के नौजवानों को, तो हम तो रोज़गार दे ही रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में हमने 20,000 लोगों को करीब 16,000 अभी दिया, 5,000 पहले से, तो सबको करीब जो जो एक एक काम करेंगे, दो पाँच पाँच दस दस लोग रखेंगे तो 2-2.5 लाख रोज़गार तो हमने आते एक साल में दे दिया है। ये बयान आपने सुना बिहार सरकार के उद्योग मंत्री का। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 16,000 नौकरियां दी गई हैं और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इससे पूर्व भी 5,000 नौकरियां दी जा चुकी हैं। तो बिहार सरकार युवाओं को लेकर सीरियस है, बिहार सरकार युवाओं को नौकरियां दे रहा है, रोजगार के पर्याप्त अवसर युवाओं को, बिहार के युवाओं को बिहार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष लगातार ये पलटवार कर रहा है कि बिहार में युवाओं को दरकिनार किया जा रहा है, उनके जो मांगे हैं वाजिब मांगे हैं उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा, बेहतर शिक्षा नहीं मिल रही है। इसको लेकर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री ने पलटवार किया है, सिरे से खारिज कर दिया इन तमाम दावों को और उन्होंने ये बयान दिया है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पर भी इशारों में निशाना साधा है और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये बड़ा दावा किया है कि बिहार में उद्योग दिया जा रहा है बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को लेकर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद सीरियस है, बेहद गंभीर है।